हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर्ब। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी जो आपकी यूपी टेट एसटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन, बट बिफोर मूविंग एट गाइस आप लिंक को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। ये तो हुई आज के सेशन की बात। अब हम आएंगे पॉइंट पे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट मोबाइल पाठशाला से कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतने अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल से भी वीडियोस देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत ही प्रोडक्टिव है, तो आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट करिए और कोर्सेज को एक्सेस करिए। ये हमारी हुई बातें, अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम वोकैबुलरी करेंगे कुछ रूट वर्ड्स के साथ में, यानी कि कुछ रूट वर्ड्स हैं जिनको पहले हम देखेंगे कि उनकी मीनिंग क्या होती है, और वो रूट वर्ड जिन भी वर्ड्स में होते हैं उनकी मीनिंग उसके बाद कैसे चेंज होती है और वो क्या मीनिंग देते हैं। तो इससे हम स्टार्ट करेंगे। रूट वर्ड यानी कि किसी भी वर्ड के लिए जो पहला जो एक वर्ड आता है, पहला जो लेटर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट वर्ड बोलते हैं। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं वन सेकेंड थर्ड, ये जो है आपके ये सारे क्या है, रूट वर्ड है। ठीक है, रूट वर्ड है। अब ये रूट वर्ड जिस भी वर्ड में एड होंगे वो कैसा सेंस देंगे हमें ये देखना है। ठीक है, मिस वर्ड जिस भी वर्ड में होता है तो ये सेंस देता है किसका, रॉन्ग का। ठीक है, मिस मीन्स होता क्या है, रॉन्ग। क्या होता है, रॉन्ग। मिस मीन्स क्या होता है, रॉन्ग। और इसका एक और सेंस आता है क्या, हेट करना, टू हेट। ठीक है, किसी से नफरत करना या फिर किसी से हेट करना। जैसे कि आप जानते हो, जैसे आप हमेशा जो वर्ड यूज करते हो मिस स्पेल्ड, तो वो क्या होता है, रॉन्ग होता है, मिस स्पेल्ड। तो मिस ये वर्ड जहां भी जिस भी वर्ड में ऐड होगा उसका सेंस क्या निकल करके आएगा, या तो रॉन्ग निकल करके आएगा या तो फिर हेट करना आएगा। ठीक है, दूसरा आपका रूट वर्ड है गैमोज। गैमोज वो, गैमोज का सेंस क्या होता है, मैरिज, शादी। ठीक है, यानी कि जिस भी वर्ड में ये गैमोज ऐड होगा उसका सेंस वहां पर वो क्या देगा, शादी का देगा, यानी कि मैरिज का देगा। गाइने वर्ड, गाइने वर्ड आपका रिलेटेड है किससे, फीमेल से। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो गाइनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो फीमेल से रिलेटेड है ये। एक और रूट वर्ड है एंड्रो। एंड्रो जैसे कि गाइने आपका फीमेल से रिलेटेड होता है, वैसे ही एंड्रो जो है आपका ये आपका रिलेटेड होता है मेल से। ठीक है, पैडोज, पैडोज जैसे कि एंड्रो आपका मेल से रिलेटेड है, वैसे पैडोज आपका चाइल्ड से रिलेटेड है। ठीक है, किससे, चाइल्ड से रिलेटेड है। और मोनो, मोनो, मोनो वर्ड का मीन्स होता है वन, एक। ठीक है, सिंगल। ठीक है, अब देखो यहां पर बाई, बाई किसी भी वर्ड में अगर ऐड होता है तो वो दो का सेंस देता है। ठीक है, तो बाई हो गया या फिर डाई हो गया। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, दो। बाई हो गया या फिर डाई हो गया, ये सब आपके रूट वर्ड्स हैं। ठीक है, ये जिस भी वर्ड में ऐड हो जाएंगे उनका वही सेंस आएगा जो इन रूट वर्ड्स का है। ठीक है, बाई डाई, बाई डाई का मतलब क्या होता है, टू, टू या फिर क्या, डबल। एंथ्रोपॉज, एंथ्रोपॉज का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मैनकाइंड या फिर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मैनकाइंड या फिर ह्यूमन बीइंग, दोनों बोल सकते हो। ठीक है, पॉली, पॉली मीन्स होता है मेनी, कई। ठीक है, और लोगो, लोगो ये बहुत ही अच्छा एक आपका रूट वर्ड है जिसमें दो तीन सेंस इसका निकल करके आता है। एक तो होता है स्टडी से, स्टडी। ठीक है, एक होता है नॉलेज, और तीसरा है आपका वर्ड।
ठीक है। तो ये जो लोगो आपका रूट वर्ड है, इसका तीन सेंस निकल करके आता है, एक तो स्टडी से रिलेटेड है, नॉलेज से और वर्ड से, ठीक है। अब हम यही जो आपको रूट वर्ड मैंने अभी बताया आपको, ये देखिए मिस, गैमोज, गाइने, मिस का मतलब होता है रॉन्ग या हेट करना, गैमोज का मतलब होता है मैरिज से, शादी से, गाइने वर्ड का मतलब है फीमेल से, ठीक है, एंड्रो का मेल से है, पैडोस का चाइल्ड से है, मोनो का सिंगल या फिर वन से है, ठीक है, बाई या डाई का मतलब क्या होता है डबल या फिर टू, एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड या ह्यूमन बींग, पॉली मीन्स होता है मेनी और लोगो मीन्स होता है स्टडी, नॉलेज और या फिर वर्ड, ठीक है। तो ये हमारे रूट वर्ड है, अब ये जिस भी वर्ड में ऐड होंगे उसका सेंस वही देंगे जो इन वर्ड्स का सेंस आता है। जैसे देखो मिसो गैमिस्ट हो गया, अब ये हमारे क्या है, ये हमारी वोकैब है, ये जो आप देख रहे हो ये वोकैबुलरी है, इससे हम अब देखेंगे इन वोकैबुलरी का मतलब क्या होगा। अब आप मुझे खुद बताएंगे, देखो यहाँ पर मिस है, मिस एक प्रीफिक्स ऐड हुआ है और उसके बाद से यहाँ देख रहे हैं गैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट, अभी आपने पढ़ा मिस का मतलब क्या होता है नफरत करना और गैमिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है शादी से, तो मिसोगैमिस्ट, अब ये ऐड होकर के क्या बन गए, वो व्यक्ति जो जिसको शादी से नफरत हो, मिसोगैमिस्ट, मिस नफरत, गैमिस्ट शादी, दोनों ऐड हुए मिसोगैमिस्ट, यानी कि वन हु हेट्स मैरिज, ठीक है। तो यहां मैं लिख देती हूँ वन हु हेट्स मैरिज, ठीक है। चलिए वन हु हेट्स मैरिज, अब देखो यहां मिसो एंड्रिस्ट है, मिसो एंड्रिस्ट का मतलब क्या होता है मिस नफरत करना और एंड्रिस्ट आपका किससे रिलेटेड है, मेल से रिलेटेड है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर एंथ्रोपोज, पैडोस, एंड्रो किससे रिलेटेड है, मेल से रिलेटेड है, यहाँ इसी का सेंस निकल करके आ रहा है मिसोएंड्रिस्ट, मिसोएंड्रिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स मेल, जो कि क्या किससे हेट करता हो, आदमियों से हेट करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मिसोएंड्रिस्ट बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोगों को, मिस नफरत करना, एंड्रिस्ट किससे, मेल से नफरत करना, तो जो मेल से नफरत करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिसोएंड्रिस्ट बोलते हैं, क्लियर है। तो वन हु हेट्स मेल, ठीक है। चलो दूसरे वर्ड पे आते हैं हम, मिसोथीस्ट, मिसो मतलब नफरत करना और थीस्ट जो आपका वर्ड है, दिस रूट वर्ड, दिस इज ऑल्सो रूट वर्ड एंड दिस इज रिलेटेड टू गॉड, थीस्ट मीन्स क्या होता है गॉड, तो मिसोथीस्ट का मतलब क्या होता है, जो गॉड से, यानी कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड में ना बिलीव करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, मिसोथीस्ट बोलेंगे, ठीक है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड एग्जिस्टेंस, ठीक है, इन गॉड एग्जिस्टेंस या इन गॉड, ठीक है। मिसोजाइनिस्ट क्या है, मिसोजाइनिस्ट यानी नफरत करना और जाइनिस्ट मतलब क्या होता है, किससे, गाइने वर्ड किससे रिलेटेड था, यहाँ देखिए किससे, स्त्री से रिलेटेड था ना, फीमेल से, तो ये फीमेल से रिलेटेड है, यहाँ गया, यहाँ है, देखिए गाइने फीमेल से है ना, तो बिल्कुल ये जो आपका मिसोगाइनिस्ट है, मिसोजाइनिस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो मिसोजाइनिस्ट किससे रिलेटेड है आपका, फीमेल से, तो यानी कि वन हु हेट्स फीमेल, जो फीमेल से नफरत करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिसोजाइनिस्ट बोलते हैं, वन हु हेट्स फीमेल, ठीक है। मिस एंथ्रोप, एंथ्रोप किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बींग से, और मिस हेट करना, तो मिस एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, जो कि ह्यूमन बींग से हेट करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, मिस एंथ्रोप बोलेंगे, मिस हेट करना और एंथ्रोप यानी कि ह्यूमन बींग से, तो वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड उसको हम क्या बोलेंगे, मिस एंथ्रोप बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी हो जाता है रूट वर्ड से वोकैबुलरी पढ़ना, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो कि इंसानों से नफरत करता हो उसको हम मिस एंथ्रोप बोलेंगे। एक और वर्ड इसी से एकदम ऑपोजिट जाता है, फाइलेंथ्रोप, ठीक है, इसका मतलब होता है वन हु लव्स ह्यूमन बींग्स, जो कि जिसको इंसानों से प्रेम होता है उसको हम फाइलेंथ्रोप बोलते हैं, ठीक है। फाइल आपका क्या है, फाइल भी आपका एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है लव, ठीक है, प्यार करना,
तो फाइल जहां भी आपका ये रूट वर्ड होगा फाइल, उसका सेंस वहां पर आएगा किससे, लव से आएगा, प्यार से आएगा, ठीक है। चलो बढ़ेंगे आगे हम दूसरे अपने वोकैबुलरी पे, मिसोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट मतलब क्या होता है, ज्ञान अध्ययन करना, ठीक है। वर्ड्स लॉजिस्ट आपका किससे रिलेटेड है, मैंने तीन वर्ड्स बताए थे आपको, एक तो नॉलेज, दूसरा स्टडी, तीसरा वर्ड बताया था। अब मिस है, मिस मतलब क्या, हेट करना, और लॉजिस्ट यानी कि वन हु हेट्स नॉलेज, जिसको ज्ञान से नफरत है, जिनको स्टडी से नफरत होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिसोलॉजिस्ट बोलते हैं। कितना क्लियर सेंस आ रहा है, देखो, मिसोलॉजिस्ट हु हेट्स स्टडी, हु हेट्स नॉलेज, जिसको ज्ञान से नफरत होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिसोलॉजिस्ट बोलते हैं। One who hates knowledge, study. ठीक है। Pantheist, देखो theist word जो होता है, ये theist का मतलब आता है किससे, theist word का मतलब है God, भगवान, ठीक है। अब यहां पर जो भी रूट वर्ड हम ऐड करेंगे उससे उसका सेंस निकल कर, उसका सेंस बदल जाएगा। अब यहां पर अगर मैं मोनोथीस्ट कर देती हूं या पॉलीथीस्ट कर देती हूं या पैनथीस्ट कर देती हूं, उसका सेंस हमेशा चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब यहां पैनथीस्ट है, पैनथीस्ट का मतलब क्या होता है, पैन रूट वर्ड का मतलब होता है मेनी, क्या होता है, मेनी नहीं, इसका मतलब होता है ऑल, ठीक है, क्या होता है, ऑल। अब यहां अगर पैनथीस्ट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि one who does believe in many gods, जो बहुत सारे भगवान में विश्वास करता है उसको हम पैनथीस्ट बोलते हैं। पॉलीथीस्ट का मतलब होता है बहुत सारा, तो one who also does believe in many gods, जो बहुत सारे भगवान में बिलीव करता है उसको हम पैनथीस्ट और पॉलीथीस्ट दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। सो पैनथीस्ट पॉलीथीस्ट मतलब होता है ऑल या मेनी, तो दोनों को अगर हम थीस्ट के पहले ऐड कर रहे हैं तो दोनों का सेंस एक ही निकल करके आएगा, ठीक है। पॉलीथीस्ट का भी यही सेंस निकल के आएगा, वन हु डज बिलीव इन मेनी गॉड्स या ऑल गॉड्स, ठीक है। आथीस्ट, अब देखो आथीस्ट, ये जो आ वर्ड होता है आ, ये जो आ वर्ड होता है और अन, ठीक है, आ और अन और डिस, ये जहां भी ये प्रिफिक्स होते हैं और ये जिस वर्ड के पहले ऐड हो जाते हैं उसका सेंस वो क्या देते हैं, हमेशा नेगेटिव देते हैं, ठीक है, हमेशा नेगेटिव देते हैं। अब यहाँ आथीस्ट है मतलब हु, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसको हम क्या बोलेंगे, आथीस्ट बोलेंगे, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। थीस्ट यानी कि वन हु लव्स गॉड, वन हु डज बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है उसको हम थीस्ट बोलते हैं। पॉलीगैमी, अब गैमी वर्ड किससे रिलेटेड है, गैमी वर्ड आपका रिलेटेड है किससे, शादी से रिलेटेड है, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू मैरिज। अब पॉलीगैमी, पॉली का मतलब होता है मेनी और गैमी का मतलब होता है मैरिज, तो अब अगर हम इस रूट वर्ड की यानी इस पार्टिकुलर वर्ड की अगर मीनिंग निकाले तो क्या निकल करके आएगा, जो बहुत सारी शादियां करते हैं या बहुत सारी शादी करने के प्रैक्टिस को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी बोलते हैं, है ना। द प्रैक्टिसिंग ऑफ मेनी मैरिजेस इज कॉल्ड द पॉलीगैमी, ठीक है, पॉलीगैमी क्या, बहुत सारी शादियां करना। सो द प्रैक्टिस ऑफ, द प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ मेनी मैरिजेस, बहुत सारी शादियों की प्रैक्टिस को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीगैमी बोलते हैं, पॉलीगैमी, ठीक है। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म, बाईगैमी। बाई आपका किससे रिलेटेड था, दो से, है ना, डबल से, और गैमी किससे रिलेटेड है, शादी से, तो बाईगैमी यानी कि जो दो शादियां करते हैं, दो शादियां करने की जो प्रैक्टिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाईगैमी बोलते हैं, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ ऑफ टू मैरिजेस ठीक है मैरिजेस is called the bigamy. Mono, mono किससे related है, एक से related है, और gamy शादी से, monogamy जो एक शादी करते हैं उनको हम क्या, उस practice को क्या बोलते हैं, monogamy बोलते हैं। the practice of one marriage is called the monogamy. Exogamy, exo का मतलब होता है outside, ठीक है, exo का मतलब क्या होता है, outside, और gamy शादी, तो जो अपने कास्ट, रिलीजन से, सोसाइटी से, कम्युनिटी से बाहर शादियां करते हैं उसको, उस प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोगैमी बोलते हैं, यानी उस शादी को हम एक्सोगैमी बोलते हैं, ठीक है।
प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग मैरिड आउट ऑफ रिलीजन और कास्ट. ठीक है, और कास्ट. चलिए, एंडोगैमी मतलब क्या होता है? एंडोगैमी ये आपका जो यहाँ पर है ये एंडोगैमी है ना कि एनोगैमी है. एंडोगैमी का मतलब क्या होता है? जो अपने कास्ट अपने रिलीजन के अंदर शादियां करते हैं उस प्रैक्टिस को, उस शादी की प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं? एंडोगैमी बोलते हैं. ठीक है, मिसोपैडिस्ट क्या होता है? पैडिस्ट मतलब होता है चाइल्ड, और मिसो का मतलब क्या होता है? नफरत करना. तो मिसोपैडिस्ट का मतलब ये होता है कि जो बच्चों से नफरत करता हो, वन हु हेट्स चाइल्ड एंड स्पेशली देयर ओन चाइल्ड, जो अपने बच्चों से नफरत करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिसोपैडिस्ट बोलते हैं. ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है? जो स्त्री विशेषज्ञ होते हैं उनको हम गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं. ये हमें कैसे पता चला? गायने जो आपका ये वर्ड है, ये इसका मतलब किससे होता है? फीमेल से होता है. और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना. तो जो स्त्री विशेषज्ञ होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं. जो स्त्रियों के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको हम गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं. और पेडिस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है कि वन हु द चाइल्ड स्पेशलिस्ट कॉल द पेडिस्ट्रियन. ठीक है, पेडिस्ट्रिशियन उनको हम क्या बोलते हैं? पेडिस्ट्रिशियन बोलते हैं. द चाइल्ड स्पेशलिस्ट पेडिस्ट्रिशियन. ठीक है, और ये हमारे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इनको अगर आपको किसी भी वर्ड में कोई भी डाउट है तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में आपका आंसर करूंगी. फिलहाल ये इतने जो वर्ड्स हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज कीप शेयरिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब.